वे टू सरोजनी नगर एंड अभी हमने INA से रिक्शा लिया है और यहाँ से 15 रुपीस लेते हैं रिक्शा वाले पर पर्सन। तो अभी हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट और मुझे नहीं पता ये रिक्शे वाले मतलब किस साइड उतारेंगे एंड कौन सा गेट नंबर होगा, आई डोंट नो, देखते हैं। सो अभी हम आए हैं गेट नंबर 1, तो यहाँ से शॉप नंबर 1 & 36 दिख रहा है। वेलकम टू सरोजनी नगर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉयज़ कलेक्शन देखी, मतलब ये शर्ट ना मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड बॉयज़ कलेक्शन में बहुत सारे लड़कों को पहनते हुए देखा है। मुझे लगता है ये वाला शर्ट का जो कलेक्शन है वो ना काफ़ी ट्रेंडी है और ये महाराजा करके शॉप थी उसी के बगल में ये वाला स्टॉल लगा हुआ था, सेल लगा हुआ था, ये जो धड़िया बोलते हैं ना इसको, तो 150 रुपीज़ में ये लाइनिंग वाले शर्ट एंड ये थोड़े ना ट्रांसपेरेंट भी है, कोई शर्ट ना नेट वाला भी है, मतलब काफ़ी मतलब अजीब व गरीब कपड़ा है इसका, मुझे नहीं पता बट काफ़ी कूल लगता है ये जब लड़के पहनते हैं। तो ये 150 रुपीज़ में आपको पूरे सरोजनी नगर में मिल जाएगा मुझे ऐसा लगता है। देन फिर हम थोड़ा सा आगे आए और यहाँ पे हमें ना पर्स का कलेक्शन मिला। एक्चुअली जो मैं हमेशा आपको पर्स के कलेक्शन दिखाती हूँ ना उससे मिलता जुलता मतलब क्वालिटी उसकी वैसी ही थी और बगल में ऐसे क्लचेस के कलेक्शन लगे हुए थे, ये भी काफ़ी सही लग रहे थे। और यहाँ पे ना 100 रुपये के ना 5 क्लचर मिलेंगे आपको और यहाँ पे काफ़ी मतलब जो ट्रेंड में चल रहे हैं ना आजकल क्लचेस, वो वाले क्लचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं अपने बालों में लगा लगा कर देख रही थी कि ये मेरे बालों में आएगा नहीं आएगा, मेरे बाल वैसे भी झड़ झड़ के बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है मुझे, तो अभी मेरे लिए ना बड़ा क्लचर लेना ठीक नहीं होगा, छोटे छोटे मेरे बालों के लिए काफ़ी होंगे। यहाँ पे ना क्लचर्स भी काफ़ी ट्रेंडी नज़र आ रहे थे मुझे और मैं अपने बालों में चेक कर ट्राई कर रही थी। एंड यहाँ पे ना बोज के कलेक्शन भी थे, क्लिप्स का कलेक्शन भी था, बैग्स के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस इससे थोड़ा सा हम और आगे चले गए और यहाँ पे ना आपको 500 स्टार्टिंग प्राइस में लैम्प्स के कलेक्शन मिल जाएंगे। चाचा दी हट्टी के बिल्कुल सामने आपको ये शॉप नज़र आ जाएगी, मतलब शॉप भी नहीं, इन्होंने ऐसे लगा रखा है सामने ही और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनके पास में। और यहाँ पे ना ADS ज्वेलरी का कलेक्शन भी था बिल्कुल बगल में ही उसी के साथ में और यहाँ पर ना प्राइज़ मैंशन है, आप हर पाउच के पीछे देख सकते हो प्राइज़ मैंशन होगा। यहाँ पर आपको रिंग्स मिल जाएंगे, ईयरिंग्स मिल जाएगा, ज्वेलरी का कलेक्शन नेकलेस पीस मिल जाएगा, बैंगल्स मिल जाएंगे और इनकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी होती है, मतलब अदर्स जैसे आप ख़रीदते हो ना नॉर्मल किसी शॉप से बैंगल्स वगैरह उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इनकी होती है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ये खुद ख़रीद कर ट्राई करके देखा है। साथ में बगल में ही यहाँ पे कैप्स के कलेक्शन लगे हुए थे जो कि 150 रुपीज़ से हमने यहाँ पर बाय कर लिया, 150 रुपीज़ में बाय किया मैंने यहाँ पर एक कैप, वो भी ब्राउन कलर का, ये वाला भी मुझे पिंक वाला अच्छा लग रहा था बट मैंने लिया नहीं बिकॉज़ मुझे एक ही बाय करना था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 18-19 वाली गली पर आ गए और यहाँ पे हमने देखा सेल में ना 150 का ओवरकोट, लॉन्ग कोट जो होता है वो वाला कलेक्शन यहाँ पे लगा हुआ था एंड 150 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनके पास में, बट अभी हमें लेना नहीं था बट मैं आप लोगों के लिए ये दिखा देती हूँ। उसके बाद हम 18-19 वाली गली अब फिर से ऐसी भरी भरी आपको नज़र आएगी और हमेशा मैं आपको यहाँ से अपना बैग्स कलेक्शन दिखाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ही बैग का कलेक्शन बाय करती हूँ। मेरे जितने भी बैग्स आप अगर आपने फ़ोटोज़ वगैरह में देखे होंगे तो वो बैग यहीं से आपको मिलेंगे, वो भी मतलब मैंने यहीं से बाय किया है। 500 रुपीज़ का इनका स्टार्टिंग प्राइस है, 350 में टोट बैग के कलेक्शन मिल जाते थे लेकिन इस बार टोट बैग लगा नहीं है, सारा 500 वाला कलेक्शन लगा हुआ है यहाँ पर और आप देख सकते हो न्यूली कलेक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी। तो मैं आपको जितने भी कलेक्शन यहाँ पे दिखाऊंगी वो अभी यहाँ पे न्यू से आए हैं और ये वाला कलेक्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो अभी जो है इन्होंने कहा कि स्टॉक आया नहीं है तो अभी इतने न्यू कलेक्शन मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, बट यहाँ पे जितने भी हैं वो न्यू आए हैं और ये मैंने पहली वाली वीडियो में आपको नहीं दिखाया होगा। बाकी यहाँ पर पूरी लाइन आपको दिख जाएगी, ये वाला लाइन पहले भी चलता था और ये लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था बट अब ये फिर से शुरू हो गया है। और यहाँ पर ना सच बताऊँ तो मैंने यहाँ से ना काफ़ी बारी बहुत ही अच्छी ड्रेस, टॉप एंड बहुत सारे कलेक्शन ऐसे होंगे जो मैंने यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी में बाय किए हैं। फिर उसके बाद स्टेलर टूज़ के पास में भी ऐसे ही 200 रुपीज़ में लगा हुआ था मतलब विंटर कलेक्शन और उसी के साथ में ना या 150 में स्कर्ट के ना काफ़ी अच्छे कलेक्शन लगे हुए थे, डेनिम वाले स्कर्ट थे और कलरफुल थे, काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे यहाँ पे, ब्लू ब्लैक तो आप हमेशा ही देखते होंगे लेकिन यहाँ पे पिंक और पीच कलर और स्काई ब्लू ऐसे चेक चेक वाले मतलब स्कर्ट के कलेक्शन, मतलब बहुत सारे कलेक्शन थे, वो भी डेनिम का कपड़ा था इनके पास में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ना स्कर्ट लगा हुआ थे यहाँ 150 रुपीज़ में और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा और मेरी फ्रेंड को भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का कलेक्शन। और यहाँ से हमने एक दो स्कर्ट ही बाय किया है, ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि अगर हमने सोचा कि कहीं और भी देख लें क्या पता उससे अच्छा कलेक्शन हमें मिल जाए।
फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आ गए तो यहाँ पे 50 रुपीज़ में शर्ट का कलेक्शन लगा हुआ था। 50 रुपीज़ में वैसे मंडे को लगता था काफ़ी बारी शर्ट के कलेक्शन, ऐसे आपको वाइट शर्ट के कलेक्शन तो आपको 100, 200, 50 रुपये, 80 रुपये ऐसे में मिल जाएंगे सरोजनी नगर मार्केट में। बहुत सारी जगह पर तो ऐसे ही कलेक्शन आपको 50-50 रुपीज़ में भी मिल सकते हैं। और बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हमेशा इन थड़ियों में से ना बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन मतलब निकाल लेती हूँ। बस मेरे साथ ना कोई होना चाहिए जो मुझे ऐसे ना मतलब छांटने में हेल्प कर सके, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी होती है और ना कलेक्शन भी निकालने होते हैं। तो मैं जब अकेली आती हूँ ना तो बहुत बार ऐसा होता है मैं कलेक्शन नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ कोई होता है ना तो मैं हमेशा कोई ना कोई अच्छा पीस निकाल कर ही दम लेती हूँ इनमें से। और 50 रुपीज़ में कोई बुराई भी नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए शॉप नंबर 24 में ना, आपको ऐसी फॉर्मल कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे और प्रिटी कलर्स में मिल जाएंगे। चेक वाली शर्ट के कलेक्शन भी थे इनके पास में एंड ज़ारा ड्यूब्स भी थे। मुझे ना ये कॉटन वाली ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही थी, इनके पास जो कलर्स अवेलेबल थे ना वो काफ़ी क्यूट और ऐसे ना अट्रैक्टिव से कलर थे एंड काफ़ी डिसेंट से कलर थे। मतलब ये पिंक वगैरह तो मैं बहुत ही देखती हूँ सरोजनी नगर मार्केट में, बट ऐसे ये लाइट येलो येलो कलर्स था, ऐसे तोतिया कलर का क्या बोलते हैं आई डोंट नो मतलब क्या कलर है, बट ना बहुत ही प्यारा लगता है येलो येलो सा, ये क्यूट सा मतलब लुक दे रहा था बहुत ही ज़्यादा। ये वाली ड्रेस मैं सोच रही थी अपने लिए लेने की, बट ना इसका जो साइज़ था वो मेरे साइज़ के लिए अवेलेबल नहीं था। बट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 700-800 में आपको यहाँ पे ये ड्रेस मिल जाएगी शॉप नंबर 24, ये याद रखना। और बाकी यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस के कलेक्शन है, और कॉटन वाली ड्रेस तो वैसे भी गर्मी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इनकी क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी थी और कपड़े के अकॉर्डिंग जो प्राइस देखा जाए ना तो वो भी सही था। बाकी अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप करवा सकते हैं। बाकी मुझे इस शॉप का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे कोऑर्ड सेट्स के कलेक्शन भी हैं। शॉप नंबर 25 के अपोजिट में ना आपको टोट बैग का कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी बैग्स के कलेक्शन थे ना वो काफ़ी बड़े बड़े से बैग थे, आई मीन टोट बैग के कलेक्शन टाइप के थे जिसमें सामान आप ज़्यादा कैरी कर सकते हो। पिट्टू बैग के कलेक्शन भी थे, तो इनका जो प्राइस है ना स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपीज़ से है। और यहाँ पे आपको हर मतलब कैरी करने के लिए जो ज़्यादा सामान कैरी करने के लिए ना बैग्स चाहिए होगा तो वो आपको मिल जाएगा। और ये लड़का यहाँ पे गॉगल्स ट्राई कर रहा है, फ़नी फ़नी गॉगल्स ट्राई कर रहा है, ये भी नहीं कि मैं सनग्लासेस ले लूँ, बट यहाँ का कलेक्शन मुझे काफ़ी सही लगा। तो अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना हो तो आप यहाँ से बैग का कलेक्शन ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कृष्णा फैब्रिक के सामने 30 रुपीज़ में यार मतलब शॉर्ट्स के कलेक्शन लगे हुए हैं, मतलब 30 रुपये, इससे ज़्यादा कम पता नहीं मुझे सरोजनी नगर में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस 30 रुपये में यहाँ पे शॉर्ट्स भी मिल रहे हैं, प्लस ना शॉर्ट्स में पॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 30 रुपीज़ का ये कलेक्शन है। और बगल में ही यहाँ पे 100 रुपये में डेनिम का कलेक्शन लगा हुआ है, ये तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था। ये यहाँ पे परमानेंट आई मीन थड़ियाँ लगती हैं, यहाँ पे परमानेंट है। यहाँ पे आपको ना जींस का कलेक्शन भी मिल जाएगा, कुछ शॉर्ट्स के कलेक्शन भी है इनमें और कुछ स्कर्ट के कलेक्शन भी है। तो डेनिम आपको अगर 100 रुपये में बाय करना है तो आप कृष्णा फैब्रिक के सामने आ जाना, यहाँ पे आपको डेनिम के कलेक्शन मिल जाएंगे। और बगल में ही यहाँ पे ना पैंट लगा हुआ था, 200 रुपीज़ में पैंट्स थे यहाँ पे। इनमें कलर्स काफ़ी क्यूट क्यूट से थे और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, पॉकेट भी था और स्ट्रेचेबल था ये पैंट। और बाकी ना कॉटन का कपड़ा था ये, और गर्मी में तो कॉटन का कपड़ा काफ़ी सही होता है। तो 200 रुपीज़ में ना यहाँ पे पैंट्स के कलेक्शन मिल जाएंगे, काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पे ना अवेलेबल मिल जाएगा आपको। शॉप नंबर 171 में ना आपको पूरे हेयर एक्सेसरीज़ का कलेक्शन मिल जाएगा। अगर आपको पूरे सरोजनी मार्केट में अगर कलेक्शन पसंद नहीं आता है, क्लिप्स पसंद नहीं आते या फिर कुछ भी पसंद नहीं आता ना, तो आप यहाँ आ जाना। यहाँ पे मुझे लगता है मतलब मेरी गारंटी लगती है कि यहाँ पे आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा, क्योंकि इनके पास में इतने सारे कलेक्शन है ना कि, और इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ बाय करके ज़रूर ही जाओगे। और बगल में ही ना ये वाली शॉप मत भूलना, यहाँ पर भी ना ड्रेस के कलेक्शन काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यहाँ से ना मतलब मैंने काफ़ी बारी हिडन जम्स निकाला है और यहाँ पे बस थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो मुझे लगता है। शॉप नंबर 155 में आपको कोऑर्ड सेट्स के कलेक्शन काफ़ी यूनिक मुझे नज़र आया, थोड़ा सा स्टाइलिश एंड आप बाहर आराम से किसी फंक्शन में पहन कर जा सकते हो, ऐसा मुझे सेट यहाँ पर मिला और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। 600 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बॉयज़ के कलेक्शन लगे हुए थे सेल में, टी शर्ट थी, शॉर्ट थे और शर्ट वगैरह थी जो बॉयज़ के कलेक्शन थे। यहाँ पर सेल लगा हुआ था, समर सेल लगा हुआ है, और आपको ना बॉयज़ का भी कोऑर्ड सेट्स मिल जाएगा यहाँ पर 150 रुपीज़ में, आपको यहाँ पे शॉर्ट्स पे मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इनके पास में।
शॉप नंबर 152 में आपको कुर्ती का कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ना 250 रुपये से कुर्ती का प्राइस है, और बाकी यहाँ पे चिकन करी वाला कुर्ती भी आपको मिल जाएगा जो कि 350-400 रुपये में आपको यहाँ पे पड़ेगा। और काफ़ी सारे कलेक्शन है, कलर्स पे काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे। और मेरी फ्रेंड यहाँ पे पजामा वगैरह बाय कर रही है। एंड यहाँ पे मैंने टी शर्ट के कलेक्शन भी देखे जो कि 250 रुपीज़ में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्यूट कलेक्शन है इनके पास में टी शर्ट का, आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट क्यूट से कलर्स भी हैं एंड कलेक्शन भी है। डेनिम का कलेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी सारे थे। एंड फिर हम उसके बाद बिक्सी के साथ में आ गए। यहाँ पे ना आपको बॉयज़ के लिए शॉर्ट्स वगैरह, अगर पैंट्स वगैरह चाहिए होंगी, यहाँ पे ना आपको शॉर्ट्स के जो कलेक्शन है वो 300-400 रुपये में मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे कार्गो पैंट्स वगैरह ना 600-700-800 रुपये में मिल जाएगा। जो इनका मतलब क्वालिटी है एंड कपड़ा है ना वो काफ़ी अच्छा है, और डेनिम का कलेक्शन भी आपको काफ़ी अच्छा मतलब क्वालिटी में मिल जाएगा। प्राइस भी इनका ठीक ठाक है, शॉप के अकॉर्डिंग आपको जो क्वालिटी मिलेगी ना वो शॉप जैसी मिलेगी। बिक्सी के बिल्कुल साथ में लगी हुई थी, और काफ़ी अच्छे कलेक्शन है इनके सच में। और आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो ग्रेविटी लेन था वो फिर से ओपन हो गया है, और 1 महीने हुए हैं करीब इसको ओपन हुए, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलता है यहाँ पे। तो आप ज़रूर आना ग्रेविटी लेन में शॉपिंग करने के लिए। एंड हम आ गए हैं शॉप नंबर 137। यहाँ का कलेक्शन हमेशा मुझे पसंद आता है। यहाँ पर ना अर्बैनिक, न्यूमी एंड बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्रांड है, काफ़ी महंगा ब्रांड है, उनका कलेक्शन सेम टू सेम मैच करता हुआ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्राइस ये लोग बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं, फिक्स प्राइस लिखा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ड्रेस के कलेक्शन है ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, न्यूमी जैसे, अर्बैनिक जैसे कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शॉप नंबर 154 में यहाँ पे ना आपको स्कर्ट के कलेक्शन मिल जाएंगे। 200 रुपीज़ यहाँ पे सेल था, और इनकी जो मतलब क्वालिटी और कलेक्शन बोला जा रहा था वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और यूनिक लग रहे थे थोड़े से। और शर्ट जो लाइनिंग वाली आजकल चल रही है ना ट्रेंड में, वो मैं काफ़ी शॉप्स में देख रही हूँ, मतलब ट्रेंड में चल रहा है इसीलिए काफ़ी शॉप में लगा हुआ है, और फैशन भी अभी यही चल रहा है। और यहाँ पर ना जो स्कर्ट का कलेक्शन है वो आपको ना शॉर्ट भी मिल जाएगा एंड लॉन्ग भी मिल जाएगा। आप इसे आराम से बाहर भी कैरी कर सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो कैजुअली आप कैरी कर सकते हो, कॉलेज वगैरह के लिए भी आउटफिट काफ़ी अच्छा होता है स्कर्ट का। एंड उसी के बगल में ना 155 शॉप नंबर में भी जींस के कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पे एयरिंग्स का कलेक्शन देखने आई थी। यहाँ पे ना 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस में एयरिंग्स के कलेक्शन मिल जाएंगे, एंड 200-250-300 तक का लास्ट प्राइस होगा इनके पास में। ज्वेलरी का कलेक्शन भी है इनके पास में, और अगर आपको एथनिक वेयर के लिए एयरिंग्स का कलेक्शन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस 150 रुपीज़ होगा यहाँ पे। श्रृंगार प्लस 66A शॉप नंबर, यहाँ पे ना हमने ये वाला बैग का कलेक्शन देखा। इनकी क्वालिटी ना सच में बहुत अच्छी है, अगर आप भारी से भारी सामान भी इसमें कैरी करके चल रहे हो ना तो मुझे नहीं लगता कि ये बैग जल्दी टूटने वाला है। और इनका जो प्राइस है ना वो 100 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है। 100 रुपये में ना आपको जिप नहीं मिलेगी, और अगर आप 200 वाला बैग लेंगे ना तो उसमें आपको जिप मिलेगी। 200 रुपीज़ में आपको जिप वाला बैग मिल जाएगा। इनकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी होती है, मेरे पास ना 1 साल से ये वाला बैग पड़ा हुआ है, और वो अभी तक मतलब वैसा का वैसा ही है, टस से मस नहीं हुआ। क्वालिटी इसकी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। समर्स में तो एनिमे टी शर्ट के बहुत लोग शौकीन हैं, और यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ में एनिमे टी शर्ट का कलेक्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन तो मैंने बहुत चेक किया है, 400-450 रुपीज़ में एनिमे टी शर्ट मिलता है, लेकिन सरोजी नगर मार्केट में सिर्फ 250 रुपीज़ में एनिमे टी शर्ट मिलता है। शॉप नंबर 176 याद रखना, यहाँ पर आपको एनिमे टी शर्ट के कलेक्शन काफ़ी अच्छे मिलेंगे, और साइज़ यहाँ पर ना आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मीडियम टू स्मॉल, एक्सेल, लार्ज, जो भी है सारे साइज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी बड़ी टी शर्ट्स हैं इसलिए मैं ये सब बाय करना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे पास एक दो पड़ी हुई हैं, वो मैं घर में पहनकर उसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है मेरे लिए, इसलिए मैं बाहर पहनकर इसे घूमती नहीं हूँ। आज सरोजी मार्केट घूमने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मानती हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से हमारी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके देन, बाय बाय। एंड मेरी फ्रेंड्स भी आपको बाय बाय कह रहे हैं। बाय।